जिला संभल के चंदोसी में ऑल इंडिया इंडस्ट्री ट्रेड बोर्ड ने स्टेशन सुपरिटेंडेंट आशीष कुमार के जरिए नौजवान रियासती वजीर शाह आलम मंसूरी की क्यादत में हुकूमत हिंद के वजीर रेलवे को एक मेमोरेंडम दिया है, जिसमें कहा गया कि बंद ट्रेनें शुरू की जाए क्योंकि चंदोसी एक कारोबारी मरकज है और दूसरे जिला और इलाकों से भी लोग कारोबार के सिलसिले में यहाँ आते हैं। 2 साल से कोरोना की वजह से हुकूमत ने ट्रेनों का ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर रोक दिया था। अब सब कुछ खोलने के बाद भी ट्रेनों का ऑपरेशन बंद है। चंदोसी से सिर्फ चंद मुंतखब ट्रेनें गुजरती है, जबकि चंदोसी एक जंक्शन है और ट्रेन बंद होने से कारोबार काफी मुतासिर हो रहा। इसके अलावा मुसाफिर ट्रेन भी नहीं चलने चाहिए और एक्सप्रेस बनाया जाए क्योंकि इससे किराया दुगना हो जाएगा और जिसका असर मुतवस्सित तबके और गरीब तबके पर पड़ेगा। चंदोसी स्टेशन अधीक्षक को आप लोगों ने विज्ञापन दिया है, व्यापार मंडल के माध्यम से क्या कहेंगे आप? हमारी अधीक्षक के माध्यम से सरकार से मांग की है हमने, जो पैसेंजर ट्रेन थी उनके नाम बदल दिए गए हैं और एक्सप्रेस कर दी गई हैं। तो पैसेंजर का टिकट जो 40 हुआ करता था उसका एकदम दोगुना 80 कर दिया, का सीधा सीधा असर मध्यवर्गीय और गरीबों पर रहा था। हमारी मांग है पैसेंजर ट्रेन जो पैसेंजर ही रहेगा, ये हमारी मांग। आज अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल और उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल ने एक ज्ञापन रेल मंत्री को भेजा है स्टेशन अधीक्षक के माध्यम से, जिसमें कहा गया है कि कोरोना काल से यहाँ पर ट्रेनों का सरकार ने संचालन बंद कर रखा था, उसके बाद अब सब कुछ खुलने के बाद भी ट्रेनों का संचालन चंदौसी में शुरू नहीं हुआ, कुछ गिनी हुई ट्रेनें ही चल पा रही हैं। इसके अलावा चंदौसी एक व्यापारिक केंद्र है, यहाँ पर आसपास के क्षेत्रों के अलावा ज़िलों से और अन्य प्रदेशों से भी लोग व्यापार के सिलसिले में आते जाते हैं, लेकिन ये ट्रेन बंद होने की वजह से, चूँकि चंदौसी एक जंक्शन भी है और यहाँ पर ट्रेन बंद होने की वजह से व्यापार पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, इसलिए हमने रेल मंत्री जी से मांग की है कि जैसे सब कुछ खोल दिया गया कोरोना के बाद इस साल, ऐसे ही ट्रेनों का संचालन भी पुनः चालू किया जाए, ख़ासतौर से पैसेंजर ट्रेनों का जो कि बिल्कुल बंद है। पैसेंजर ट्रेन है, यहाँ से लोग जो है वो आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली, इन जगहों पे जो है वो व्यापारी आते जाते रहते हैं, ट्रेनों से बंद होने से बहुत बड़ा असर पड़ा है। तो हमने मांग की है कि जो है मंत्री जी जो है वो ट्रेन को सुचारू रूप से चालू करें।